समाज इतना बेहतर बनता क्यों जा रहा है, तो मुझे पता चला कि समानता की वजह से। फिर मैंने कुछ साल वहाँ और व्यतीत किए और अपने आप को विकास करने की, अपने आत्मविश्वास को विकास करने के लिए अपने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। पता है जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ पाने की अभिलाषा है। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को खोल कर देखो तो पैसे के ऊपर लिखा है कि मैं ही भगवान हूँ। तालियां। पैसे में जो कहते हैं, जो कहते मेरे अंदर भी बहुत हो सकता है टैलेंट हूँ। मैं म्यूजिक करता हूँ, मैं स्पीकिंग कोर्स बेचता हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करता हूँ, ये मेरी बात है। लेकिन मैं ये सब कर किस लिए रहा हूँ? पैसा, पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर ये टैलेंट है मेरी माँ का या फिर मेरे पापा का इलाज कर दो, क्योंकि हर जगह पे पैसा रिक्वायर है। और जब आप चार लोगों के बीच में बैठो, आपके चार दोस्त बैठे हो, तब इतना पैसा तो जरूर कमाइए कि कभी किसी और का हाथ ना उठे बिल पे करने के लिए। जिंदगी अगर इतनी आसान होती ना तो हर कोई जी लेता। एक बात है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो ब्लैक कम्युनिटी से थे, अब्राहम लिंकन, एक दिन वो गए पार्लियामेंट में, मस्त बैठे हैं, ठीक है, पूरे एमएलए वगैरह एमपी वगैरह सब है, सब अपना पॉलिसीज डिस्कस कर रहे हैं। तभी से एक एमपी ने कहा कि मिस्टर अब्राहम, योर फादर इज अ गुड कॉबलर, यानी कि मिस्टर अब्राहम आपके फादर, आपके पिताजी एक बहुत अच्छे जूते बनाते हैं और I'm still wearing his shoes. उनका बनाया हुआ जूता अभी भी मेरे पैरों में है। पता है, आपके और मेरे जैसा एक नॉर्मल सोचने वाला इंसान रहेगा तो गुस्सा हो जाएगा कि मेरे फादर को जूते बनाने वाला बोल रहा है। उन्होंने उठा और ऐसे हेलो कहा और बोला कि जिस तरह से आप मुझे मेरे एक फादर को जूते बनाने, अच्छा जूता बनाने वाला कह के याद कर रहे, उसी तरह से आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे मुझे एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में याद करेंगे। हमारा पास्ट क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता है, कि हमारा कल क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता है, कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। आज से 100 साल पहले जब दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। आप लोग पानी पीते हो? सब लोग गर्मी में आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, सबको पड़ती है, जल जीवन का आधार है जी। ये पानी फ्री रूप में अवेलेबल है या नहीं है? हमारे आसपास नल में मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाता है, नदी नाला और समुद्र से फिल्टर करके पी लेते हैं लोग। लेकिन क्या आप में या फिर आप मुझसे, आप में से कोई भी ये सोच सकता है कि उसी पानी को एक गुड पैकेजिंग के साथ, एक गुड तरीके से मार्केटिंग विथ एडवर्टाइजमेंट के साथ उसे बेचकर, वो पानी जो प्रकृति में फ्री रूप में उपलब्ध है उसे बेचकर अगर कोई 100 करोड़ रुपए का नेटवर्क बना लेता है तो वो है बिजनेस। DXN हेल्थ प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट्स बेचता है, वेरी गुड। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप अपने किसी भी काम को सच आसान रूप से नहीं कर सकते। बीमारी का मतलब आंख से ना देख पाना, पैर ना होना, हाथ होना ना है। बीमारी का मतलब है हिम्मत टूट के घर में बैठ जाना, या आप भी हो सकते हो। अगर आप लोग इतने मौसम के बावजूद, जो मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, आप इस मौसम के बावजूद अगर हम लोगों के बीच में उपस्थित हो कुछ पाने के लिए, कुछ कर जाने की चाह है, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन द हिस्ट्री, इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन योर लाइफ, तो करते रहो। एक दिन सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी।